हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम इलाहाबाद हाई कोर्ट के लिए ग्रुप सी ग्रुप डी स्टोनो और ड्राइवर के लिए जो है घटना चक्र टू बुक की जो है प्रैक्टिस हिंदी के पार्ट को कर रहे हैं, ठीक है भाई। तो इसमें जो है हमने पहला सेट और सेकेंड सेट करा दिए हैं, तो आज का हमारा ये तीसरा और चौथा सेट होगा, ठीक है भाई। आज का हमारा ये तीसरा और चौथा सेट लेंगे, कुल इसमें 50 प्रश्न कवर करेंगे, ठीक है भाई। तो दो दो सेट आपको करा रहे हैं, ठीक। तो आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, ठीक है भाई। आइए देखते हैं, पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, ये आपको बताना है, ठीक है। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो ये राइट आंसर आपको कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? सही ऑप्शन आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, दो प्रकार की, ठीक है भाई। दो प्रकार की कौन कौन? एक स्वर, ठीक है, और सेकंड क्या है? व्यंजन, ठीक है, व्यंजन। तो ये दो प्रकार की ध्वनियाँ आपको ध्यान रखना है। तो स्वर आप जानते हैं भाई, जो बिना किसी अन्य ध्वनि की सहायता से उच्चरित होते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं, और व्यंजन वे होते हैं जिनका उच्चारण हम स्वरों की सहायता से करते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं, ठीक है। ये आप जानते हैं। स्वर आपके कितने हैं? 11। व्यंजन कितने हैं? 33, ठीक है। वर्णों के कुल वर्ण कितने हैं? 52। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है भाई। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है इतना, ठीक है। और अगर पूछे हस्व स्वर की संख्या कितनी होती है, 4 बताएंगे, दीर्घ स्वर की संख्या 7 बताएंगे, ठीक है। और देखिए भाई, देखिए अब इन 52 शब्दों में क्या क्या होता है। देखिए, स्पर्श व्यंजन आपसे पूछे तो 25 बताएंगे, ठीक है भाई, कितना? 25, ठीक है। स्वर कितने हैं? 11 हैं। अंतस्थ व्यंजन जिसे या रा ला वा कहते हैं, 4 होते हैं। ऊस व्यंजन स स स और हा, ठीक है, 4 होते हैं। और संयुक्त व्यंजन छ त्र ज्ञा और स्रा, 4 होते हैं, ये आप जानते हैं। अयोगवा जिन्हें अन और आहा कहते हैं, ठीक है, 2 होते हैं। और आपका द्विगुण व्यंजन ढाक ढा और ढा के नीचे जो नुक्ता लग जाता है उन्हीं को द्विगुण व्यंजन कहते हैं, तो और ये 2 भी होते हैं। तो अब इनको जोड़ोगे टोटल कितने हो जाएंगे भाई? 52 हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। निम्न में संज्ञा शब्द है, तो मैंने संज्ञा आपको बताया भी, संज्ञा शब्द क्या होता है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, देखिए संज्ञा जो है आपके 5 प्रकार की होती है, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो संज्ञा आप जानते हैं, किसी व्यक्ति वस्तु स्थान या गुण अथवा अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें आपको कौन सी संज्ञा, देखिए कहने गंगा, पुराना, नीला या मोटा। देखिए पुराना, मोटा, नीला, ये विशेषण हो गए। गंगा जो है आपका क्या है? ये संज्ञा शब्द है, ठीक है भाई। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा, ठीक है। और गंगा कैसा कैसा कौन सी संज्ञा है ये आपसे पूछे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा बताएंगे, ठीक है भाई। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा हमने बताया था, जिसके जैसा कोई ना हो, भाई गंगा के जैसा और कोई नदी नहीं है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ए नंबर यहाँ, ठीक है। तो आपका ये आपको ध्यान रखना है, गंगा जो है व्यक्तिवाचक में आएगा, ठीक है। और जातिवाचक में संज्ञा को अपने हमने कैसे पहचाना है? जिसके जैसे और भी हो, जैसे लड़का, वकील, नदी, मनुष्य, कुत्ता, गाय, ठीक है, राज्यपाल आपसे पूछा जाता है, तो ये जातिवाचक में आएगा, ठीक है। और भाववाचक संज्ञा भी, जैसे आप जिसको आप प्लेट या थाली में परोसा ना जा सके, जैसे बुराई, ठीक है, बुराई, ठीक है, ये आपका भाववाचक संज्ञा आ जाएगा, मिठास, ठीक है। और अगर इनको आप जातिवाचक सॉरी भाववाचक संज्ञा को अगर आप बहुवचन बना देते हैं तो वो किसमें भाववाचक को अगर बहुवचन बना देते हैं तो वो जातिवाचक में परिवर्तन हो जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। जैसे बुराइयाँ, आपसे बुराइयाँ पूछे तो आप भाववाचक संज्ञा नहीं लगाएंगे, उसे जातिवाचक संज्ञा लगाएंगे, ठीक है भाई। तो ये आपको ध्यान रखना है। और समूहवाचक संज्ञा होती है आप जानते हैं, और द्रव्यवाचक संज्ञा होती है, 5 प्रकार की संज्ञा ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं, इनमें कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है, ये आपको बताना भी है। राइट आंसर आपका यहाँ हो जाएगा, देखिए करें मर्दाना, बुढ़ापा, भेड़ा, विधुर। देखिए भाई, भेड़ भेड़ क्या होता है? स्त्रीलिंग होता है ना, भेड़ जो है स्त्रीलिंग होता है, और इसमें बड़ा आ प्रत्यय लगा दिए हैं तो भेड़ा हो गया है, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने की सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, ये आपको बताना है, ठीक है। सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, ये आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो हमने आपको बताया था सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन कौन बताए थे भी, तो सदा एक वचन में प्रयोग होने वाले शब्द कौन होते हैं? जैसे मैंने बताया था जनता, ठीक है, जनता, सामान, सामग्री, ठीक है, सामग्री हो गया, वर्षा हो गया, और क्या भी आकाश हो गया, सहायता, ठीक है, सहायता, और क्या
पानी, सत्य, सोना, ये सब सदैव भाई एक वचन में प्रयोग होते हैं। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, वर्षा जनता। ये जो है आपका क्या है, सदा एक वचन वाला शब्द हो जाएगा। ठीक है, देखिए हस्ताक्षर, जनता एक वचन है, लेकिन हस्ताक्षर आपका कैसा है भाई, ये सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है, सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, होश, होश जो है सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। तो सदैव, और प्राण, प्राण सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। ठीक है, प्राण, तो आइए देखते हैं कुछ बहुवचन वाले शब्द याद कर लेते हैं। देखिए प्राण हो गया, ठीक है भाई, प्राण, दर्शन कई बार पूछा गया, और आंसू, ठीक है, और क्या, होश, बाल, हस्ताक्षर, हस्ताक्षर भी कई बार पूछा गया है भाई, हस्ताक्षर जो है अभी यूपीपी में भी आया था हस्ताक्षर। ठीक है, समाचार, समाचार, दाम, अक्षत, तो ये सब शब्द सदैव किस में होते हैं, बहुवचन में, ध्यान रखिएगा बहुवचन में प्रयोग होते हैं। चलिए भाई अगला देखते हैं, अगला क्या निम्नलिखित जोड़ों में उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए, ये आपको यहां पर बताना है। ठीक है, यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा भाई, देखिए उत्तम पुरुष में कौन आता है, देखिए पुरुषवाचक को तीन भागों में बांटा गया, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष में। ठीक है, तो देखिए उत्तम पुरुष में कौन आएगा, मैं आता है, हम आता है। ठीक है, और उत्तम पुरुष हो गया, मध्यम पुरुष में तू, तुम होता है। ठीक है, और अन्य पुरुष में वह, वे, ठीक है, ये, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा, ए जो है आपका कौन सा हो जाएगा भाई, उत्तम पुरुष में हो जाएगा, मैं और हम उत्तम पुरुष हो जाएगा। ठीक है, ये पुरुषवाचक के तीन भेदों में से है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और सर्वनाम के भेद आप जानते हैं छा होते हैं। आइए देखते हैं अगला, कह रहे कि निम्न में कौन सा शब्द विशेषण है, तो विशेषण की संख्या चार है, बताइए विशेषण कौन सा इसमें है। राइट आंसर आपका हो जाएगा, तो अनिश्चित वाचक विशेषण इसमें कुछ हो जाएगा। ठीक है, कुछ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर सही हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आपको ध्यान रखना है, एक ये नहीं सॉरी, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा इसका, बी नंबर, चमकीला। ठीक है, विशेषण है तो चमकीला शब्द जो है ईला प्रत्यय जोड़ने से चमकीला विशेषण बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और कुछ शब्द क्या होता है भी, सर्वनाम भी ये अंतर्गत आता है अनिश्चितवाचक में। ठीक है, तो ये आपका बी नंबर यहाँ राइट हो जाएगा। आगरा जानते हैं ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, लिखना जानते हैं आप क्रिया है, अगला कहने की निम्न में कौन सी सकर्मक क्रिया है, ये बताइए, सही ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा, तो सकर्मक क्रिया। ठीक है, देखिए लेना, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, लेना सकर्मक क्रिया है। ठीक है, सकर्मक क्रिया जिसमें किस पे बल जो है किस पे पड़े, कर्म पर पड़े, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। लेना मतलब आप कुछ लेना, कुछ लेना, सामान लेना। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी में सही हो जाएगा। और जो है आना जाना मरना, क्या है ये भाई, ये आपका अकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो अकर्मक क्रिया जानते हैं, सकर्मक क्रिया जिसमें कर्म और कर्ता दोनों हो। ठीक है, और अकर्मक क्रिया केवल करता हो। ठीक है, निम्नलिखित में से तस्यम शब्द बताइए, यहां पे आपको तस्यम शब्द बताना है। राइट आंसर आपका यहां हो जाएगा, देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, गोपाल। गोपाल शब्द कैसा है, तस्यम है, इसका तद्भव अगर आपसे पूछे तो ग्वाल बताएंगे, क्या भाई, ग्वाल हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है, तो यहाँ पे आपको तद्भव शब्द बताना है। तो देखिए जीव जो है आपका कैसा है, ये जीव जो है तद्भव शब्द है, जिसका तस्यम आप जिह्वा जो होता है। ठीक है, जिह्वा होता है। कह रहे कि अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, यहाँ पे अरविंद, अरविंद शब्द का पर्यायवाची है, तो जानते हैं आप कौन सा हो जाएगा, राइट आंसर ए हो जाएगा, ये कमल का पर्यायवाची है। ठीक है, कमल का जलज भी होता है। ठीक है, जलज हो गया, पंकज हो गया, पंकज हो गया, और क्या भी, नीरज होता है, नीरज होता है, अंबुज होता है, अंबुज और सरोज, ये जो है कमल के पर्यायवाची। तो अरविंद वाला कई बार पूछा है, ध्यान रखिएगा, ये आप जानते हैं बहुत ही आसान है, पंकज वाला, नीरज। ठीक है, तो ये आपका अरविंद कई बार आया है एग्जाम में। ठीक है, आत्मा का विलोम है,
ये भाई बताइए, आत्मा का विलोम पूछा रहे हैं। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? आत्मा का विलोम क्या हो जाएगा भाई? परमात्मा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। महात्मा का विलोम क्या होता है? दुरात्मा, ठीक है। और समानता शब्द का विलोम क्या होता है? असमानता होता है। दिए गए विकल्पों में से उत्कंठा के समानार्थी शब्द कौन से है ये आपको बताना है भी। राइट आंसर हो जाएगा उत्कंठा। उत्कंठा मतलब होता है अभिलाषा, उत्सुकता, ठीक है, किसी चीज को जानने की, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाएगा उत्सुकता अभिलाषा। जिसे वेतन ना मिलता हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द बताइए। जिसे वेतन ना मिलता हो वाक्य हेतु उपयुक्त शब्द बताइए, तो उसे क्या कहते हैं अभी? अवैतनिक बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर आपका सी यहां पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए, आकाश वृत्ति किसके लिए प्रयोग किया जाता है? ऐसी जीविका जिसका कुछ ठिकाना ना हो उसके लिए एक शब्द आकाश वृत्ति बोलते हैं। देखिए, अरे अंडे सेना मुहावरे का अर्थ है, तो यहां पे आप ये कहावत सुनते रहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा घर में बेकार बैठना, ठीक है। सम उपसर्ग से निष्पन्न शब्द कौन सा है? तो इसमें देखिए, उपसर्ग जानते हैं मूल शब्द के पहले लगते हैं, ठीक है, ये आप जानते हैं। देखिए, संस्कार, संस्कार, संस्कार जो है सम उपसर्ग है इसमें, ठीक। तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा। पूछता है कि संस्कार में कौन सा उपसर्ग है, तो ऑप्शन में भी बना के देता है, तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। देखिए, हलंत कभी कभी हलंत लगा रहता है, कभी ऐसे सम लिखे रहेगा, ठीक है, और कभी ऐसे लिखे रहेगा, ठीक है, तो हलंत वाला ही लगाइएगा, ठीक है भी। आइए देखिए, भूर्जा का संधि विच्छेद होगा, भू प्लस क्या होगा भाई? राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा भू ऊर्जा, तो भू प्लस ऊर्जा कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर यहाँ सी बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, भूमि की ऊर्जा। आइए देखते हैं अगला, तो इसमें आप जानते हैं दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। कौन सा अव्ययी भाव समास है, ठीक है भाई, ये आपको यहाँ पर बताना है, अव्ययी भाव समास, ठीक है। तो अव्ययी भाव ने देखिए नहीं वाला बताना है, ये भी ध्यान रखना है, नहीं वाला बताना है। तो अव्ययी भाव समास में बताया है उपसर्ग से आप पहचान देंगे, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और अव्ययी भाव समास आपने बताया कि जिस समास का प्रथम पद या पूर्व पद अव्यय हो, अर्थात जिसमें प्रथम पद प्रधान हो, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे आजन्म, यथाशक्ति, भरपेट, यथासंभव, प्रतिदिन, ठीक है, ये आपको अपने पिछले क्लास में भी बताया था। राइट आंसर हो जाएगा देखिए डी नंबर में जो है आय व्यय, ये जो है अव्ययी भाव समास में द्वंद्व समास है। कौन सा समास है इसमें? द्वंद्व समास है, जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं, तो आय और व्यय इसका समास बिगड़ा होगा। यथार्थ ये आपका प्रतिदिन, प्रतिमास, तो ये आपका क्या है भाई? अव्ययी भाव समास है, ठीक है। तो समासों की संख्या आप जानते हैं कितने होते हैं भाई? छह प्रकार के होते हैं, ठीक है, छह प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला कहने की रचना के आधार पर वाक्य के भेद बताइए भाई। रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपको यहां पर बताना होगा। यहां पे आपका राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तीन होते हैं, ठीक है, तीन होते हैं। कौन कौन से, ये भी आपको ध्यान रखना है। सरल वाक्य, ठीक है, जिसे आप साधारण वाक्य बोलते हैं। मिश्र वाक्य, ठीक है, मिश्र वाक्य। और कौन है? संयुक्त वाक्य, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक है। ये आपके तीन जो है रचना के आधार पर वाक्यों को बांटा गया है। अब जानते हैं सरल वाक्य क्या होता है भी? जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य और एक ही विधेय होता है उन्हें हम सरल वाक्य कहते हैं, जैसे महेश पढ़ता है, ठीक है। संयुक्त वाक्य क्या है? जिन वाक्य में दो या दो से अधिक सरल वाक्य समुच्चय बोधक अव्यय, जैसे और हो, और, तथा, एवं, पर, परंतु आदि से जुड़े हो, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे वह सुबह गया और शाम को लौट आया। मिश्रित वाक्य क्या होता है? जिन वाक्यों में एक मुख्य या प्रधान वाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उन्हें हम मिश्रित वाक्य कहते हैं, ठीक, जैसे परिश्रम करोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे। आइए देखते हैं अगला है, कह रहे कि मैंने मेरे को सुधार लिया है, क्या कह रहे हैं भाई? मैंने मेरे को सुधार लिया है, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, अशुद्धि बताना है। तो ये आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा भाई? या इस वाक्य में क्या है? निजवाचक सर्वनाम संबंधी क्या है? त्रुटि है। तो शुद्ध वाक्य क्या हो जाएगा? मैंने अपने आप अपने को सुधार लिया है, सुधार लिया है हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, तो ऑप्शन डी यहां सही हो जाएगा।
अगला देखते हैं, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें भाई, क्या हो जाएगा? धरा साई का आपको क्या बताना है? शुद्ध शब्द, ठीक है? ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, ठीक है, धरा साई है, शुद्ध है, ठीक है। करें कि विभाव के कितने प्रकार होते हैं, ये बताइए भी, विभाव के कितने प्रकार होते हैं? तो दो होते हैं भी, कौन? आलंबन एवं उद्दीपन विभाव। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब देखिए 48 से 50 के गद्यांश है, ठीक है, तो ये आपको करना है, तो ये आपको करना है, हम दिखा दे रहे हैं, ठीक है, पढ़िएगा। तो अगले अब चलेंगे अगले सेट में, सेकेंड वाले में, ठीक है, यहां से, ठीक है। अब हम लोग आ गए हैं सेकेंड वाले सेट में, ठीक है, तो ये आपको, चलिए भाई, तो ये हमारा ये अब कौन सा है, ये चौथा प्रैक्टिस सेट हो जाएगा ना, तीसरा हुआ, पहला, दूसरा, तीसरा, अब चौथा, चौथा ये चलेगा, ठीक है। चलिए, कहने कि सभी स्वर होते हैं, ये आपको बताना है। कहने कि दीर्घ होते हैं, अघोष होते हैं, महाप्राण होते हैं, अल्प प्राण होते हैं, इनके बारे में भी आपको जानकारी लेना है, ठीक है। राइट आंसर हो जाएगा, सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं, ठीक है, अल्प प्राण होते हैं, ऑप्शन डी आपका यहाँ बिल्कुल यहाँ राइट हो जाएगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। सभी स्वर क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अब भाई अल्प प्राण क्या होता है? जिसको बोलने में हमें बहुत धीरे में उच्चारण हो उसी को अल्प प्राण, जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, ठीक है, ये अल्प प्राण के अंतर्गत आता है। अब अल्प प्राण के प्रत्येक वर्ग का कौन आता है? पहला आता है भाई, तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, ठीक है, पहला और तीसरा, पांचवा और अंतस्थ व्यंजन या र ल हुआ, ये ध्यान देना, ये सब आते हैं, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है अल्प प्राण के अंतर्गत पहला, दूसरा, तीसरा वर्ग आता है या र ल आता है और सभी स्वर आते हैं, ठीक है, बिल्कुल ध्यान रखना है। अब देखिए महाप्राण जिसमें बोलने पर कुछ आवाज ज्यादा दुगुना निकले, ठीक है, जैसे अल्प प्राण से, इसके प्रत्येक वर्ग का भाई क्या आता है? दूसरा और चौथा, तो यही तो बच्चे हैं, दूसरा और चौथा आता है महाप्राण के अंतर्गत, और इसमें ऊष्म व्यंजन आते हैं, ठीक है, ऊष्म व्यंजन आते हैं। आपसे पूछेगा ऊष्म व्यंजन किसके अंतर्गत आते हैं? आप बताएंगे महाप्राण के अंतर्गत। कौन कौन? सभी सा, तीन सा है और एक हा है, ठीक है, ये आपको ऊष्म व्यंजन हो गए, ठीक है। अघोष क्या होता है भाई, ये भी जान लीजिए, अघोष क्या होता है? अघोष व्यंजन पहला, दूसरा और तीनों सा आते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। हा जो है ये घोष के अंतर्गत आता है, उष्ण व्यंजन है जो होते हैं चार, ये तीनों सा आएंगे अघोष के अंतर्गत, ठीक है। और कौन आएगा भाई? दूसरा, पहला, पहला और दूसरा वर्ग आता है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है, तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। चलिए आइए देखते हैं अगला है। कह रहे कि प्रतिवर्ष नदी में बाढ़ आ जाती है, वाक्य में नदी किस प्रकार की संज्ञा? देखिए भाई नदियों के जैसे बहुत सारी नदियां, तो आप पकड़ लेंगे, राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इसमें जातिवाचक संज्ञा है। भाई गंगा जो है नदी तो है, लेकिन एक विशेष नदी है ना, गंगा जैसे कोई नदी नहीं है, तो वो व्यक्तिवाचक में आती है, लेकिन यहां नदी पूछा है, नदी के जैसे बहुत नदी होती है, इसमें जातिवाचक आएगा, ठीक है। चलिए, निम्न में से पुल्लिंग शब्द है, बताइए भी राइट आंसर। देखिए पुल्लिंग शब्द आपको बताएं कैसे पहचानना है, अच्छी अच्छा लगा के, ठीक है, तो यहां पे राइट आंसर आपका यहां पर ए हो जाएगा, राजा। राजा अच्छी है? नहीं, राजा तो अच्छा है, पुल्लिंग तो अच्छा है, तो पुल्लिंग ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। बात अच्छी है, माता अच्छी है, रानी अच्छी है, स्त्रीलिंग हो जाएगा। आइए मिठाई शब्द का बहुवचन बताइए, मिठाई शब्द का बहुवचन बताइए कौन सा हो जाएगा भाई यहाँ पे? मिठाइयाँ, ठीक है, मिठाइयाँ। राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, छुट्टी का मंत्र रहेगा, ठीक है, बड़ी की मंत्र लगाइएगा। कहने कि हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद बताइए। ये देखिए हम, ये कैसा है? हम पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएगा, बी नंबर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। सौर किस मूल शब्द से बना विशेषण है, तो ये आपको बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ये सूर्य से, ऑप्शन सी आपका यहां सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, कहने क्रिया चुनिए, क्रिया आपको पहचानना है। ये वाक्य है, मेरे घर में मेरी दादी माँ खाना बनाती है, तो इसमें क्रिया बताइए कौन सा हो जाएगा? तो ये बनाती है हो जाएगा भाई, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। कहने कि गधा शब्द का तत्सम रूप है, राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? आपका यहाँ पे गर्दर, गर दब हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। इनमें से ज्येष्ठ का तद्भव रूप कौन सा है, तो ये आपका हो जाएगा जेठ, ऑप्शन डी हो जाएगा।
निम्नलिखित कौन सा एक अनाथ का पर्यायवाची नहीं है? तो नहीं वाला आपको बताना है। देखिए, बेसहारा होता है, यतीम होता है, निराश्रित होता है, लेकिन अनाड़ी नहीं होता। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल यहां सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। और नाथहीन और दीन भी होता है इसका पर्यायवाची अनाथ का। करें कि आगामी का विलोम बताइए। राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर, विगत होता है। चतुर का शब्दार्थी है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चालाक। करें कि जो मापा ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, अपरिमेय होता है। कच्चा चिट्ठा खोलना का उपयुक्त अर्थ है। राइट आंसर हो जाएगा, कहते हैं ना ज्यादा मत बोलो नहीं तो आपका कच्चा चिट्ठा खोल देंगे, तो कह रहे हैं कि सारा भेद खोल देना, ऑप्शन ए हो जाएगा। दुरात्मा में कौन सा उपसर्ग है ये आपको बताना है भी। देखिए, आत्मा जो है मूल शब्द हो गया, दूर जो है उपसर्ग हो गया, उपसर्ग मूल शब्द के पहले लगता, ऑप्शन सी हो जाएगा दूर। ठीक है, हलंत वाला ध्यान रखिएगा, नहीं तो हलंत लगे पहला ही पता लगे दूर लिखा है वही आप लगा के आगे बढ़ जाए, तो हलंत वाला ध्यान रखिए, हलंत वाला होगा। प्रत्यय के योग से बना शब्द कौन सा है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा भी, ऑप्शन सी हो जाएगा मलिन। मलिन में इन प्रत्यय, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ कौन सा हो जाएगा सी नंबर। प्रत्यय आप जानते हैं मूल शब्द के बाद में लगता है। निम्नलिखित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है? नहीं वाला आपको बताना है। देखिए, जगदम्बा, विद्यालय, संतोष, अहंकार, ये जो है आपके क्या है? व्यंजन संधि के उदाहरण है। लेकिन ये विद्यार्थी, विद्याधन, विद्यालय है, विद्याधन आलय, विद्याधन आलय में दीर्घ स्वर संधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, कहने की राजपुत्र में समास है, तो इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या करेंगे? राजा का पुत्र। तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो राजा का पुत्र का विभक्ति आया। जब पानी बरसता है तब मेंढक बोलते हैं में जब पानी बरसता है कौन सा वाक्य है? तो ये आपको बताना है। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा? ये क्रिया विशेषण उपवाक्य, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। मैंने विद्यालय जाना है वाक्य में अशुद्ध है, तो ये आपको ध्यान रखना है, मैंने आपका जो है अशुद्ध वाक्य हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए आपका बिल्कुल यहाँ सही हो जाएगा। तो इसमें मैंने के स्थान पर क्या हो जाएगा? मुझे विद्यालय, भाई मुझे विद्यालय जाना है, मुझे विद्यालय जाना है। शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द का चयन कीजिए, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन है? अंत्याक्षरी, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, ए वाला जो है शुद्ध शब्द है। और देखिए पूजनी, तो ये आपका गलत है, शुद्ध क्या हो जाएगा? पूजनी। ठीक है, और कवि, कवियत्री भी गलत है। ठीक है, कवित्री होता है, कौ इत्री, ये कई बार पूछा गया है, आप ध्यान रखिएगा। तदुप्रांत भी गलत है, तदुप्रांत नहीं होता है, तदुप्रांत होता है क्या भी? तदुप्रांत। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखते हैं अभी, करें किस रस को रसराज कहा जाता है? तो रसों की संख्या आप जानते हैं नौ है, भरत मुनि के अनुसार आठ है। ठीक है, तो रसराज किसको कहते हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? सी नंबर, श्रृंगार रस का, जिसका स्थायी भाव रति होता है। ठीक है, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? वनिता, राइट आंसर हो जाएगा, ये स्त्री के रूप में प्रयोग होता है, ऑप्शन आपका भी यहां सही हो जाएगा, जिसे अबला कहते हैं, नारी, रमणी, कामनी। ठीक है, मुदित मनोहर मानस देख पंक्ति में अलंकार है, तो यहां पे राइट आंसर हो जाएगा, तो यहां पे देखिए मुदित मनोहर मानस देख, माँ 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 की आवृत्ति बार बार हुई, तो इसमें अनुप्रास अलंकार होता है। आप जानते हैं अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है भाई, आइए देखते हैं अगला है, करें इनमें से जिसका जन्म अंडे से होता है को व्यक्त करने वाला कौन सा एक शब्द है? तो ये शब्द आपका कौन सा हो जाएगा? अंडज होता है, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार जो है आपके तीसरा और चौथा प्रैक्टिस होता है, इसमें हमने कुल 50 प्रश्नों को कवर किया। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगला जो है आपका, सॉरी ये पांचवा था, तीसरा और पांचवा था, अब आपका छठा और सातवां कराएंगे। ठीक है, अगले वीडियो में, तो वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।